भारत ने फिर पानी छोड़ दिया। जम्मू तवी दरिया में 1.5 लाख क्यूसिक का रैला। सियालकोट से जंग तक हाई अलर्ट। दरिया रावी में जसड़ करतारपुर पर 60,000 क्यूसिक का बहाव। दरिया चिनाब में खान की बिराज पर निचले दर्जे का सैलाब। हेड मराला के मकाम पर पानी की आमद 1,38,272 और अखराज 1,20,252 रिकॉर्ड। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर को अपोजिशन और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इस्तेमाल किया। अदम एतमाद से बचने के लिए बैरूनी साजिश का रंग दिया। डर के भेदी ने लंका ढा दी। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान इकबाली बयान रिकॉर्ड करवा दिया। बताया साइफर ड्रामे के जरिए अवाम में मुल्की सलामती इदारों के खिलाफ नफरत का बीज बोया। चेयरमैन पीटीआई ने कहा साइफर को गलत रंग देकर अवाम का बयानिया बदल दूंगा। मरासला खिलाफ कानून अपने पास रखा, वापस मांगने पर गुम होने का बताया। अमरीका किसी भी मुल्क की अंदरूनी सियासत में दखल नहीं देता। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का साइफर मामले पर सवाल का जवाब, बोले हर बार एक ही जवाब दिया। आखिर जवाब बेबुनियाद हैं, कितनी बार इस सवाल का जवाब दे चुके। साइफर साजिश है या हकीकत, तहकीकात के लिए चेयरमैन पीटीआई तलब। एफआईए की 25 जुलाई को पेश होने की हिदायत। कहा साइफर से मुतालिक दस्तावेजात साथ लाएं, पेश ना हुए तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को 24 जुलाई को बुलावा। विफाकी हुकूमत का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चला निकाला। वज़ीर दाखला राणा सनाउल्ला कहते हैं साइफर गुम नहीं हुआ, चेयरमैन पीटीआई के पास है। शाह महमूद जुर्म में बराबर के शरीक हैं। मौलाना फजल रहमान बोले साइफर ड्रामा था, आजम खान ने बेनकाब कर दिया। इसराइल और भारत ने चेयरमैन पीटीआई की माली मदद की, पहले ही कहा था ये बैरूनी एजेंट है। गोल टेस्ट पाकिस्तान की जीत की जाने पेशकदमी। फतह के लिए 30 से कम नज़र दरकार। 6 विकेट्स बाकी। कप्तान बाबर आजम का बल्ला फिरना चला। 24 रन बनाकर जयसूर्या की गेंद पर आउट। और एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान। लाहौर में ट्रॉफी की रुनमाई। इफ्तिताही मैच 30 अगस्त को पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान मुल्तान में होगा। इवेंट का सबसे बड़ा पाक भारत टाकरा 2 सितंबर को कैनेडा में खेला जाएगा। फाइनल 17 सितंबर को कोलंबो में होगा।